हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी है। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सा हेयर स्टाइल लेके आ गई हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की नई नई वीडियो के अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है सिलाई कोच प्रीति तिवारी। अगर आप लोग को सिलाई में इंटरेस्ट है तो उस चैनल पर भी जाइए, उसको चेकआउट कीजिए। अच्छी लगे तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो इंस्टा आईडी Preet Tiwari24 है, Preet Tiwari24 सर्च करने पे आ जाता है। कई लोग पूछते हैं कि मैम नहीं आता, ओनली Preet Tiwari24 सर्च कीजिए और इंस्टाग्राम पे मेरा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट हेयर स्टाइल के लिए मैंने आज साड़ी बांधी हुई है, तो मैं आपको बीच मांग से बता रही हूँ। बहुत इजी क्विक हेयर स्टाइल्स है जो कि आप बहुत जल्दी से बना लोगे। तो पहले साइड से मैंने इस तरीके से लेयर लिया है और यहाँ से इस तरीके से हेयर को उठाएंगे, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और यहाँ पे फ्रेंच ब्राइड बनाएंगे हम लोग। इसी तरीके से अपने क्राउन एरिया तक आप बनाते जाओगे। तो इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है, अपनी ब्राइड यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। बचे हुए बालों में भी सिंपल सी ब्राइड बना लेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं, बस दो चार लेयर्स बना के और छोड़ देना है। और यहाँ पे इसको टिक-टेक क्लिप या फिर यू क्लिप से सेट कर देना है। फिर से हम लोग एक और लेयर लेंगे और यहाँ पे भी सेम फ्रेंच ब्राइड बनाएंगे। ओके, जैसे हमने ऊपर वाले में बनाया था सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी बनाना है। और जब बना रहे हो तो ध्यान दीजिएगा कि आपकी लाइन एकदम स्ट्रेट रहे। काफ़ी अच्छा लगता है ये हेयर स्टाइल और सिंपल भी है, जल्दी से आप बना लोगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको साड़ी के साथ ही बनाओगे, आप इसको जींस टॉप सूट मतलब इस टाइप के हेयर स्टाइल आज हेयर स्टाइल शेयर करूँगी जो कि आप ऑल ड्रेस के साथ बना सकते हो। जैसे कोई भी ड्रेस पहनो आप ये सारे हेयर स्टाइल उन पर बना सकते हो। तो मैंने उसी क्लिप में इसको पीछे ऐड कर दिया है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी बना लेना है। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया, आप देख सकते हो काफ़ी सिंपल है और बहुत ही स्टाइलिश सा लुक देगा आपके बालों को। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप साड़ी पहन रहे हो, सूट पहन रहे हो, जींस टॉप पहन रहे हो, ऑल ड्रेस के साथ ये हेयर स्टाइल आपका इंडियन एंड वेस्टर्न ड्रेस के साथ काफ़ी सूट करेगा। तो चलते हैं सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकंड हेयर स्टाइल में आपको यहाँ से थोड़े से लेयर लेने हैं। इसमें भी सिंपल फ्रेंच ब्राइड बनानी है। इन लेयर्स के साथ साथ में थोड़े थोड़े हेयर अपने ऐड करते जाने हैं। मेरे फेस का जो शेप है वो थोड़ा सा राउंड में है और यहाँ से भी काफ़ी चौड़ा चौड़ा सा है, तो मैं अपने फेस पे हेयर रख रही हूँ। अगर आपका फेस बहुत छोटा है या फिर लॉन्ग है तो आप अपने फेस से हेयर को हटा सकते हो। लेयर्स आपकी चॉइस है, आप लेयर रखना चाहो ना रखना चाहो, आप वो देख लीजिएगा आपके फेस पर कैसा सूट कर रहे हैं। तो ये मैंने ब्राइड बना ली है, साइड से थोड़ा थोड़ा ब्राइड को खींच दूँगी ताकि थोड़ा अच्छा सा लुक आ जाए मेरे ब्राइड में हेयर स्टाइल का।
देखिए इस तरीके से खींचा है मैंने, और इसको बैक में ले जाके यहाँ पे टिक टेक क्लिप से सेट कर दूँगी, या फिर बॉबी क्लिप जो भी आपके पास अवेलेबल हो। थोड़ा सा हेयर को हटाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से क्लिप ऐड कर देंगे और ऊपर से हेयर को दोबारा से गिरा देंगे। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी बनाने हैं, ऐसे लेयर लेंगे और फ्रेंच ब्राइड बनाएंगे यहाँ पे। अभी मैं सिर्फ फ्रंट का हेयर स्टाइल बता रही हूँ, बैक के लिए भी बहुत सारी वीडियोज़ डाली हुई है और आगे भी डालते रहूँगी। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी दो तीन लेयर इस तरीके से ब्राइड बनाने के बाद से मैंने फ्रेंच लेयर फ्रेंच चोटी स्टार्ट की थी। तो वैसे ही आप भी कीजिएगा अगर सेम चाहिए तो, अदरवाइज आपकी चॉइस है। हेयर स्टाइल में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको एकदम सेम टू सेम बनाना है, बस आप अपने फेस के अकॉर्डिंग देख सकते हो, थोड़ा बहुत जैसे आइडिया ले सकते हो दूसरों के हेयर स्टाइल से, और अपने फेस के अकॉर्डिंग जो आपके फेस से सूट करता है उसके अकॉर्डिंग आपको हेयर स्टाइल बनानी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने फिर से इस साइड भी बना ली है। ब्राइड को इतना लंबा बनाना है जहाँ तक आपको लेके जाना है तो अपनी ब्राइड को, फिर सिंपली इस तरीके से खींचना है साइड से, जैसा मैंने पहले उस साइड में खींचा था, ताकि थोड़ा लुक अच्छा आ जाए हेयर स्टाइल का। ओके, अब इसको भी सिंपली आप बैक साइड में लेके जाओगे हेयर को थोड़ा सा हटा के, और यहाँ पे रख के आप टिक टैक क्लिप बॉबी क्लिप जो भी आपके पास हो आप उस पर सेट कर दोगे और हेयर को ऊपर की तरफ से गिरा दोगे। तो ये काफ़ी प्यारा हेयर स्टाइल है और क्विक इजी है, बहुत ही आसान और बहुत ही स्टाइलिश, सबसे अलग सा थोड़ा दिख रहा है। तो आपको कैसा लगा ये हेयर स्टाइल, आई होप कि पसंद आया हो। तो चलिए थर्ड हेयर स्टाइल भी बता देते हैं, पहले ये आप देख लो। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में मैं पार्टीशन अपने बालों की साइड से करूंगी। साइड से बालों का पार्टीशन करने के बाद से यहाँ से सिंपली थोड़े थोड़े हेयर लेके मैं ट्विस्टिंग करूँगी, जिस साइड हमारे कम बाल हैं उधर से। ये भी काफ़ी प्यारा लगता है और काफ़ी ज़्यादा चल रहा है अभी इस टाइम पे। तो इस तरीके से ट्विस्टिंग किया है मैंने क्राउन एरिया तक, और क्लिप से इसको सेट कर देंगे। तो मैंने फिर से सेकंड ट्विस्टिंग किया है यहाँ पे। थर्ड में मैं इस तरीके से लेयर निकाल लूँगी ईयर के पास से, और फिर से एक और ट्विस्टिंग करेंगे। ओके, और यहाँ पे भी क्लिप ऐड कर दूँगी। ओके, अभी आपको इस साइड से क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा लेयर लेना है बालों का इस तरीके से। कॉम करके थ्री लेयर्स में, थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उल्टा चोटी जैसे हम लोग बनाते हैं उस तरीके से बनाएंगे। फिर यहाँ से लेयर लेंगे और इसके साथ ऐड करेंगे इसी तरीके से, थोड़ा सा लंबा नीचे तक हम लोग बना लेंगे ये हेयर स्टाइल। इसको बनाने के बाद से
थोड़ा सा लॉन्ग मतलब लंबे में इसको बना लेंगे, चोटी को थोड़ा लूज हाथों से बनाएंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। उसके बाद से साइड से थोड़ा थोड़ा खींचेंगे ताकि हेयर स्टाइल का जो लुक है वो अच्छा आए और वॉल्यूम दिखे बालों में। ओके, तो इस साइड से तो हमने खींच लिया है हेयर को, अब सेम दूसरी साइड से भी। ओके, अभी हम लोग इसको बैक साइड में लेके जाएंगे और यहाँ पे टिक टेक क्लिप से इसको सेट कर देंगे। टिक टेक क्लिप या बॉबी क्लिप, जो भी आप जिससे भी लगाना चाहते हैं वो आप उससे सेट कर लीजिएगा। अब आप चाहो तो ये वाले हेयर आप ऐसे ही छोड़ सकते हो और चाहो तो इसको ट्विस्टिंग कर लोगे, क्योंकि मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है तो मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको खींच लेंगे। अगर आपके बहुत पतले हल्के बाल हैं तो इसको खींचना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर से सेकेंड लेयर लेंगे और फिर इस तरीके से खींचते जाएंगे। यहाँ से थोड़े से लेयर में छोड़ दूंगी और इसको भी बैक में ले जाके यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। तीन बहुत ही सुंदर, सबसे आसान और सबसे डिफरेंट टाइप का हेयर स्टाइल है। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा बताने का तरीका और ये हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आए हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की डिफरेंट हेयर स्टाइल देखने के लिए। आपको बहुत सारे हेयर स्टाइल मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पे, बट मैं भी अपनी कोशिश करते रहती हूँ कि आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा हेयर स्टाइल लेके आ पाऊँ, वो भी सेल्फ, क्योंकि आप लोग को सेल्फ हेयर स्टाइल ज़्यादा पसंद आती है। तो मैं बहुत कोशिश मतलब पूरी कोशिश करूँगी कि सेल्फ डिफरेंट स्टाइलिश यूनिक हेयर स्टाइल आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहिए और हेयर स्टाइल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय बाय।